मॉर्निंग स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.4। तो 2.4 में जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस थे, हमने पहले सॉल्व कर लिए हैं। हमारे पास रहता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट किया है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल। एक स्कूल के लिए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व कर लिया इन अ मोहाली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशो 11:4। एट द रेट 100 पर मीटर इट विल द कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंच द प्लॉट। वट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो हमें डायमेंशन निकालने, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन में लेंथ मानेंगे, ब्रेथ मानेंगे, पैरीमीटर निकालेंगे। पैरीमीटर के बाद जैसे ही पैरीमीटर निकल जाएगा तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कॉस्ट से, तो वहां से लेंथ और ब्रेथ निकल जाएगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट लिखा 11x, ये रेशियो में था, ब्रेथ 4x, पैरीमीटर 2×L+V फॉर्मूला लगाया, लेंथ की वैल्यू पुट की, ब्रेथ की दोनों को एडअप किया है, 15×2=30 होता है। कॉस्ट ऑफ फेंचिंग द प्लॉट ₹100 लिखा। तो ये जो हमारे पास 30 आया था, हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट को और आ गया एक्स की वैल्यू की, तो ये लिखा और इसके नीचे 30×100, 3 0 कट गई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा 3 5 जा 15, 25 आ गया। लेंथ कितना आ गया, मल्टीप्लाई किया, ब्रेथ को भी मल्टीप्लाई किया, दोनों की लेंथ और ब्रेथ निकल गई। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, हुसैन बॉय टू काइंड ऑफ क्लोज मटेरियल फॉर अ स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 पर मीटर। फॉर 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल्स ही बाय 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, दिस टोटल सेल इज 36,600, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले हमें क्या करना है, शर्ट को और ट्राउजर को जो दिया है हमारे पास 3x और 2x मानना है, उसके बाद हमें जो कॉस्ट है वो राइट करना है। कॉस्ट के बाद हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी है, फिर सेलिंग प्राइस निकालनी है, और प्रॉफिट से वो वैल्यूज निकलेंगे हमारे। तो हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास का सॉल्यूशन रहेगा, हमने लिखा लेट द टोटल मटेरियल परचेज 3x, शर्ट के लिए जो टोटल मटेरियल लिया और 3x रहा हमारे पास। अब ट्राउजर के लिए दोबारा से लेट द टोटल मटेरियल फॉर ट्राउजर, तो 2x आ गया। कॉस्ट ऑफ शर्ट 50 पर मीटर है और ट्राउजर की 90 पर मीटर है, तो कॉस्ट इज भी रिप्रेजेंट हो गई। अब प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आ रहा है शर्ट के ऊपर 12% आ रहा है, 12% ऑफ 50, तो शर्ट का जो कॉस्ट था उसका परसेंट भी निकाल लिया, 12/100% से 100 लगता है, मल्टीप्लाई 50 काट दिया, 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 आ गया। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, तो सिंपल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट किया, 50 + 6, 56 पर मीटर आ गया। प्रॉफिट ऑफ ट्राउजर, तो 10% ऑफ 90 किया, तो 10/100 × 90 काट दिया, 0 से 0 = 0, 9 आ गया। आगे सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर 90 + 9 किया, तो 99 पर मीटर आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास टोटल वैल्यू दी थी उसकी, कितने पैसे लगे थे वो लिख लिए। अब ये जो था वो 3 मीटर था क्लोज, तो एक्स माना है, तो 56 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 56 सेलिंग प्राइस है। अब जो अब लिखा 2x, तो 99 भी क्या है, सेलिंग प्राइस आया, तो अब वो बराबर कर लिया, मल्टीप्लाई किया, तो 368 आया, 198 एक्स दोनों को ऐड किया और 100 अप्रोक्सीमेट हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई वो 100 आ गई। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ही खत्म हो गया। हमारे पास अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब जो बाकी क्वेश्चन है वो इजीएस्ट मोस्ट है। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड
एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाउंड फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो एक जो डियर का झुंड था वो ग्रेस कर रहा था फील्ड में हाफ आधा उसका, और जो वन फोर्थ था वो प्ले कर रहा था, जो 9 थे रेस्ट ऑफ 9 और ड्रिंकिंग वाटर कर रहे थे। तो नंबर ऑफ डियर्स निकालना है कितना है, हमारे पास जो क्वेश्चन है हमने लिख लिया है पहले ही, लेट द नंबर ऑफ डियर्स इन हर्ड। तो एक्स हमें नहीं पता कितने हैं, नंबर ऑफ डियर्स आर ग्रेजिंग, तो ग्रेजिंग हाफ थे तो इसका आधा कर दिया, तो लिखा था प्लेइंग कितने कर रहे थे 3/4 मल्टीप्लेक्स इसका 3/4 निकाला आ गया। नंबर ऑफ डियर्स लेफ्ट 9, इन सब में से ऊपर से नीचे तक सॉल्व करने के बाद 9 बचा, तो हमने लिख लिया x बाई टू, ये प्ले कर रहे थे सॉरी ग्रेजिंग कर रहे थे, 3x/8 ये प्लेइंग दैट इज 9 क्या थे 9 वो लेफ्ट बच गए थे, x थे वो टोटल था, टोटल हर बार ऐसे लिखते हैं, तो ये x इस साइड को आ गया 9 परली साइड, एलसीएम ले लिया 8 आया, ये 2/4 8 तो 4x, 8 का 1 3x, ये 8x, ये इस साइड का एलसीएम था, ये x 8x आ गया, ये वाला ये x है 8x आ गया, तो -9 तो ये आता है 7 में से 8 माइनस किया तो 1 1x बचा, माइनस है माइनस काटा 72, टोटल कितने थे हमारे पास 72 थे, तो हमारा आंसर निकल गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, सी इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, प्रेजेंट एज निकालनी है उसकी। तो जो ग्रैंडफादर है, अगर उसको ग्रैंडफादर 10 टाइम है तो ग्रैंड डॉटर को हमें एक्स मानना है, ग्रैंडफादर को 10x मानना है, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, और वो जो एज रहती है वो ओल्डर रहता है उससे ज्यादा बड़ा 54, तो जो एज होगी तो हम कितना बड़ा करेंगे फादर को 54 कर देंगे उस डॉटर से, तो इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है ये, लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर एक्स माना, एज ऑफ ग्रैंड फादर 10x, तो 10x लिखा और उस में 54 ऐड कर दिया, तो इस साइड को एक्स आया 10, 9 बचा 6, तो ग्रैंड डॉटर कितने आगे आ गई एक्स की, और फादर कितने का आया 60 ईयर्स का। तो क्वेश्चन सिंपल सा था, ये पहले भी कर चुके हैं हम एज का क्वेश्चन, तो सॉल्व हो गया। हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन रहता है वो भी एज का है, एज के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, 10 ईयर एगो ही वाज 5 टाइम हिज सन्स एज, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो अब सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन रहता है इसका 10 वो क्वेश्चन है, तो हमने लिखा लेट द एज ऑफ अमन सन, सन को एक्स मान लिया और अमन को 3x मान लिया, तो एज आ गई एक बार एगो किया तो 10-x, अमन की एज है 10-x, अमन सन की उसके बेटे की, और इसकी 3x 10, 3x से मल्टीप्लाई इसलिए क्यों किया, क्योंकि जो अमन होगा वो बड़ा होगा और उसका बेटा छोटा होगा, तो 3x-10 लिखा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 5x 50 आ गया, 5x इस साइड को गया 10 इस साइड को आया, तो 2x-40 x की वैल्यू आ गई 20, तो अमन की जो एज आ जाएगी वो एक बार 20 आएगी और इसकी 3 × 20 दैट इज 60 आ जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन इसी के साथ खत्म हो गया और हमारी एक्सरसाइज भी इसी के साथ खत्म होगी। थैंक यू।